बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सैरिश मुख्तार फ्रॉम गुजरमला कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। टुडे वी डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिक्स वन, इन विच द टॉपिक्स आर डेलिक्वेशंस, डेसिकेशन, डेसिकेटर्स एंड डिसिकेशन। नंबर वन इज डेलिक्वेशंस, एंड व्हाट इज डेलिक्वेशंस, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर from the atmosphere until it dissolves in the absorbed water and forms a solution। ये वो process है जिसमें एक substance जो है absorb कर लेता है moisture, नमी को, कहाँ से, from the atmosphere, अपने surrounding से, ठीक है, until it dissolves in the absorbed water and forms a solution। हम उसको किसी भी पानी में absorb नहीं करते and उसका solution बना देते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम एक सॉलिड सब्सटेंस जो है पेट्री डिश में लैब में रखे गए हैं, ठीक है, 5 से 6 घंटे बाद हम दोबारा लैब में आते हैं और वही हम सैंपल देखते हैं, तो वो उसमें वाटर एब्जॉर्ब हुआ था, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ था, वो सॉलिड नहीं रहता, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो एक सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैजिकल होते हैं, जब हम इसको ओपन एयर में रखते हैं तो ये हवा से नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ख़ुद को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेलिक्वेशंस। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच एनी एनहाइड्रस कंपाउंड। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एनहाइड्रस। अब एनहाइड्रस कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग नो वाटर, जिनके अंदर पानी नहीं होता, एनहाइड्रस कंपाउंड्स उनको कहते हैं। कैचेस अप द वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो क्या करते हैं एनहाइड्रस कंपाउंड्स, अपने सराउंडिंग से, अपने एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं वाटर एंड कन्वर्ट्स इट्सेल्फ इंटू हाइड्रेटेड, और अपने आप को किस में बदल देते हैं, हाइड्रेटेड में। अब हाइड्रेटेड क्या होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में मीन्स के जिसके अंदर पानी मौजूद होगा। तो ये थोड़ी सिंपल डेफिनेशन थी और इसमें उन्होंने वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं एनहाइड्रस कंपाउंड जिसमें पानी नहीं होता और हाइड्रेटेड जिनमें पानी होता है। मीन्स ये केमिकल प्रोसेस है, नेचुरल है कि क्या होता है कि एनहाइड्रस कंपाउंड जो है जब हम इसको ओपन एयर में रखते हैं तो वो एटमोसफेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अपने सराउंडिंग से, और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, हाइड्रेटेड में, हाइड्रेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल्स हैं, इसके अंडर ही सब हेडिंग्स हैं। डेलिक्विसेंट मटेरियल कौन से होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? डेलिक्विसेंट मटेरियल्स वो जो एब्जॉर्ब्स करते हैं वाटर फ्रॉम एयर, जो कि जज्ब करते हैं पानी को हवा से, ठीक है, इतना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनफ टू फॉर्म सॉल्यूशंस। वो हवा से, इतना एयर से, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से इतना पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो क्या बना देते हैं, सॉल्यूशंस बना देते हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जो हमारे पास अगर हम इनको ओपन एयर में रखते हैं तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास जो हम नमक यूज़ करते हैं NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, अगर उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो तो क्या होता है, हमारा सॉल्ट जो है वो स्टिकी हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है, अगर उसमें कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो तो। और एग्जांपल है इसमें हाइड्रोक्साइड्स की, उसमें आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है एग्जाम्पल, जिसको हम कास्टिक पोटाश कहते हैं, और इसी के ऑपोजिट में हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, सेम डेफिनेशन है, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एयर, ये भी एब्जॉर्ब करता है वाटर को एयर से, बट नॉट इनफ, यहाँ पर था इनफ, इतना एब्जॉर्ब करता है कि वो सॉल्यूशन बना दे, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस है बट नॉट इनफ, इतना एब्जॉर्ब नहीं करता टू फॉर्म सॉल्यूशन कि वो अपने आप को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिलिका जेल। एप्लीकेशंस, किस लिए हम यूज़ करते हैं इस डेलिक्वेशंस प्रोसेस को, यूज़ टू रिमूव द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन से उसमें पानी जो है
आ गया, उसको हमने रिमूव करना हो तो उसके लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं, यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए लंबे अरसे तक, इसलिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ ड्राइंग प्रोसीजर विच इज़ वाइडली यूज इन फार्मेसी। वो कह रहा है कि ये एक ड्राइंग प्रोसीजर है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। widely used in pharmacy to remove the water from the product। और इसका मेन मकसद क्या है कि हमने रिमूव करना होता है वाटर को फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से वाटर को रिमूव करना होता है इस प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं desiccation। desiccators क्या होते हैं हमारे पास, explanation है, a desiccator is a heavy glass or plastic container। या तो वो glass का बना होगा या plastic का container होगा। use करते हैं हम इसको अपनी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में फॉर कीपिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स टू ड्राई, ताकि हम जो स्मॉल अमाउंट के मटेरियल्स हैं उनको क्या कर सकें, ड्राई कर सकें, उनको उनमें से जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर सके, उसमें से वाटर को रिमूव कर सके। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेसिकेटर्स यूज़ करते हैं। द मटेरियल इज़ प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ, या आपके पास एक हैवी ग्लास का कंटेनर है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो इसकी जो ये शेल्फ आपको नज़र आ रही है इसके हम लोग अपना जो है मटेरियल रख देते हैं, एंड अ ड्राइंग एजेंट और डेसिकेंट। ड्राइंग एजेंट जो है या फिर डेसिकेंट जो है, ड्राइंग एजेंट को ही हम डेसिकेंट कहते हैं, जो कि क्या करता है, रिमूव करता है वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट फिजिकली। सच एज, अब वो कौन सा है ड्राइंग एजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये डेसिकेंट, सच एज ड्राई सिलिका जेल हम यूज़ करते हैं, जो कि हम प्लेस करते हैं बिलो द शेल्फ, शेल्फ के नीचे हम लोग वो अपना ड्राइंग एजेंट या डेसिकेंट रख देते हैं, अपना मटेरियल इस शेल्फ पे रख देते हैं, जो कि वो सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को जो उस प्रोडक्ट में है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोडक्ट में से वाटर रिमूव हो जाता है और हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो डेसिकेटर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं डेसिकेटर्स की, डेलिक्विसेंस की, By using desiccation, the stability of pharmaceutical product enhancing। जो stability है किसी भी pharmaceutical product की वो बढ़ जाती है, enhance हो जाती है। Famous process है drying, ठीक है, drying का ये famous process है। All the hygroscopic drugs are dried through desiccation process, ठीक है, जितने भी hygroscopic drugs हैं उनको हम क्या करते हैं, dry करते हैं through desiccation process के थ्रू। Number फोर, फॉर desiccation, ड्राइड सिलिका जेल इज़ यूज इन द बॉटल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन। अक्सर आपने देखा है कि desiccation के लिए ड्राइड सिलिका जेल जो होती है वो हम यूज़ करते हैं बॉटल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन में, ठीक है, ताकि वो हमारी मेडिसिन को, हमारी ड्रग को जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर ले, उसमें नमी ना आ जाए, वो स्टेबिलिटी उसकी कायम रहे, ठीक है, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आती। तो हम सिलिका जेल या फिर सिलिका जेल जो है हमारे पास, उसकी एक पैकेट्स होते हैं, छोटे पैक्स होते हैं वाइट कलर में, वो शूज़ में होते हैं, वो CAC 1000 में होते हैं, ठीक है, जो हम कैल्सी पीते हैं पानी में एब्जॉर्ब करके, एफर्विसिन टैबलेट है, बैग्स में होते हैं, हम अपने जो है कबर्ड्स में रखते हैं ताकि जो है मॉइस्चर ना आए इन चीज़ों में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिका जेल। नेक्स्ट है हमारे पास मेन टॉपिक है डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी सब्सटेंस को प्यूरीफाई करते हैं, एज वेल एज सेपरेशन प्रोसेस है। इसके ज़रिए हम लोग अपने सब्सटेंस को, जो मिसेबल सब्सटेंस होते हैं दो, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज़ बॉइल्ड अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में पहली बात तो ये प्यूरिफिकेशन मेथड है, दूसरा ये सेपरेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन के अंदर हम अपने केमिकल सब्सटेंस को बॉयल करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है, अनटिल इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। और तब तक बॉयल करते हैं उसको जब तक कि वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। देन द कंडेंसर इज़ अटैच्ड, हम फिर जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं हम उसके साथ एक कंडेंसर अटैच कर देते हैं। द डिस्टिलेशन फ्लास्क विच कंडेंस बैक दीज वेपर्स इनटू लिक्विड अगेन। अब कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर जो अटैच्ड हुआ हुआ है डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ, उसका काम है वो कंडेंस कर देता है बैक दीज वेपर्स इनटू लिक्विड अगेन, वो इन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो
डिस्टिलेशन क्या हुई, एक तो ये प्यूरिफिकेशन मेथड है, सेकंड ये सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है लिक्विड को हीट करते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर्स कूल होके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कंडेंसर की मदद से, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये डिस्टिलेशन है। टाइप्स ऑफ लेबॉरटरी बेस्ड डिस्टिलेशन, जो हम लेबॉरटरी में यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन अपरेटस कौन कौन से हैं। नंबर वन इज सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन है। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड। हमने ये प्रोसेस किस लिए यूज़ किया, ताकि हम जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं लिक्विड में उसको रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें। इट इज़ द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम प्रोसेस किस लिए यूज़ करते, ताकि ये प्योरीफिकेशन मेथड है, ठीक है ना, बाय ब्रिंगिंग दैम टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये भी डेफिनेशन में था कि हम उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसके बॉयल करते हैं अप टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग बैक दे वेपर्स इनटू लिक्विड, ये भी डेफिनेशन में लिखा हुआ था। फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और कंडेंस कर देते हैं उनके वेपर्स को अगेन लिक्विड में। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। और ये जो हमने पढ़ा है इस सारे को हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। इसके अंदर हम कोई भी जो है यूज़ नहीं कर रहे कुछ भी, ये वही है जो डिस्टिलेशन डेफिनेशन में लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है आपके पास। अब जो हम लोग उन केमिकल सब्सटेंस ही हम यहाँ यूज़ करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, 30 डिग्री से ज़्यादा हो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, वो वाले सब्सटेंस हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं। ईथर है बॉइलिंग पॉइंट इसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड, टॉलिन बॉइलिंग पॉइंट है इसका 111 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इन दोनों का हम लोग मिक्सचर बना लेते हैं, मिसेबल सॉल्यूशन बना लेते हैं इन दोनों का, ईथर का एंड टोलुइन का। अगर हम डिफरेंस देखें 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो 30 डिग्री से ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ईथर और टोलुइन का मिक्सचर जो है इस फ्लास्क में डाल देते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है बर्नर है, ऊपर थर्मामीटर है, ये हमारे पास कंडेंसर अटैच हुआ है, और ये हमारे पास रिसीवर है जहाँ से हम लोग अपने जो है रिसीव करते हैं जो डिस्टिलेट है, ठीक है। कलेक्शन फ्लास्क इसको कहते हैं, रिसीवर फ्लास्क इसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दिया एसीटोन, और इसके अंदर हमने डाला है ईथर, और हमारे पास है टोलुइन, ठीक है। दोनों का मिक्सचर हमने इस फ्लास्क में डाल दिया, ठीक है। जब जो है ये थर्मामीटर पहुंचेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा जो ईथर है वो क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू होगा, यहाँ उसके वेपर्स आएंगे, वेपर्स कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर उसे क्या करेगा, वेपर्स को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर हम रिसीविंग फ्लास्क या कलेक्शन फ्लास्क में इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है टोलुइन जब वो रीच करेगा 111 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मामीटर टेम्परेचर, ठीक है, जब वो बॉयल होना शुरू होगा, तो यहाँ से टोलुइन के जो हैं वेपर्स वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर जो है उन वेपर्स को अगेन लिक्विड में कलेक्ट कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर हम रिसीविंग फ्लास्क से टोलुइन को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और जो नॉन वॉलेटाइल है कंपोनेंट वो फ्लास्क में रह जाएगा, और यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे। ये होती है सिंपल डिस्टिलेशन। और कंडेंसर का काम क्या है, वो वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मींस उसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रैक्शंस में जो है डिस्टिलेशन होती है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपोनेंट्स इन अ केमिकल मिक्सचर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके अंदर हम लोग जो है कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द कंपाउंड इज हीटेड, ठीक है। इसमें भी हमने कंपाउंड को हीट करना है, और उसका जो हर कंपोनेंट है वो कम्स टू बॉयल, जब उसमें बॉयलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब तक इट्स वेपर्स आर सेपरेटेड, उसकी वेपर्स हम सेपरेट करेंगे, कूल करेंगे, सो इट कैन बी रिमूव इन इट्स प्योर फॉर्म, और उसको हम प्योर फॉर्म में हासिल कर लेंगे। एग्जाम्पल है, इन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जिनका
30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेथनॉल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है 56 माइनस 65 डिग्री सेंटीग्रेड वो होता है 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों का हम मिक्सचर ले लेते हैं, कहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है इसके अंदर हम लोग एसीटोन का और मेथनॉल का मिक्सचर ले लेते हैं। अब इसमें और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ फ़र्क जो है ये कॉलम का है, ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम। या तो हम लोग उसमें बीड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह का कॉलम होता है या फिर इस तरह का कॉलम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। सिर्फ ये डिफरेंस है डायग्राम में, सिंपल में और फ्रैक्शनल में। यहाँ पर हमने एसीटोन ले लिया और मेथनॉल ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस तरह का कॉलम लगा हुआ है तो ये रुकावट पैदा कर रहा है किसी भी केमिकल मिक्सचर को ऊपर जाने में। तो सबसे पहले क्या होगा, एसीटोन जो है वो बॉयल होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से एसीटोन बॉयल होगा, इस फ्रैक्शनल कॉलम से ऊपर जाएगा और कंडेंसर में आ जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर्स को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से हम रिसीविंग फ्लास्क में उसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। उसी दौरान जो है मेथनॉल भी बॉयल होगा, वो इस फ्लास्क में जाएगा, लेकिन एसीटोन का वेपर प्रेशर और जो यहाँ पर ये हर्डल्स हैं ये क्या कर देगा, मेथनॉल को इस फ्लास्क में गिरा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेथनॉल यहीं रह जाएगा और जो एसीटोन है वो बॉयल होकर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इस रिसीविंग फ्लास्क में आ जाएगा, यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। अगर इस मेथनॉल में इम्प्यूरिटीज़ हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, मेथनॉल को भी बॉयल करेंगे उसके अपने टेम्परेचर तक जो कि है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मेथनॉल भी यहाँ से जो है बॉयल होगा, वेपर्स उससे कंडेंसर में आएंगे और देन वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम रिसीव करेंगे रिसीविंग फ्लास्क में, ठीक है। ये था हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर इसने डायग्राम को लिखा हुआ है, ये हमारे पास बर्नर है, ये हमारे पास डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, ये जो आपको शो हो रहे हैं ये आपके पास वेपर्स हैं, ये कॉर्क लगा हुआ होता है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये डिस्टिलेशन अडेप्टर होता है, थर्मामीटर है, ये जो कंडेंसर है इसके दो इनलेट्स होते हैं और आउटलेट्स होते हैं, एक से जो है कोल्ड वाटर इन आ रहा होता है और एक से वाटर आउट आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है रिसीविंग फ्लास्क लगा होता है, यहाँ पर हम डिस्टिलेट को कलेक्ट कर लेते हैं। और इसके इसमें क्या डिफरेंस है सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये डिफरेंस है कि हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं वो वाले केमिकल सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम वो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और दूसरा जो डिफरेंस है, सिंपल डिस्टिलेशन में कोई फ्रैक्शनेटेड कॉलम नहीं होता, लेकिन इसमें अटैच होता है फ्रैक्शनेटेड कॉलम, जिस वजह से हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस में जो है हम डिस्टिलेट को ऑब्टेन करते हैं, पहले वो ऑब्टेन करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और फिर वो जिसका हाई है, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर।